एमएस वर्ड की इस सीरीज में रिव्यू टैब में हम देखने वाले हैं प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग चेंजेस और प्रोटेक्ट और साथ ही साथ कंपेयर। जब हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं या कोई लेटर लिखते हैं, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो हमको कुछ वर्ड्स में कन्फ्यूज़न रहता है कि ये वर्ड एक्चुअल करेक्ट है या रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में हम प्रूफिंग का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ RECARCH। अब मैं यहाँ पे टाइप किया तो मुझे रिसर्च टाइप करना था, लेकिन यहाँ पे एक रेड लाइन इंडिकेट हो रही, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। जब भी आप कुछ लेटर टाइप करते हो, कुछ वर्ड टाइप करते हो, उस वर्ड में एक रेड लाइन अंडरलाइन के तरह आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा एक सेंटेंस लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं बता रहा, तो मुझे इस ऑप्शन के ज़रिए से ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक पता चलेंगी। तो यहाँ पे एक वर्ड है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है और एक सेंटेंस है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो जब हमारे सामने इस तरह की रेड लाइन आ जाए तो समझ लीजिए कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, और जब आपके पास इस तरह वर्ड में नीचे कुछ ग्रीन लाइन आ जाए तो इसका मतलब ये रहता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है। लेकिन अब यहाँ पे ग्रीन लाइन नहीं आ रही है, तो आप इसको इस तरह अगर कभी कभार नहीं भी आ रही है तो आप जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कीजिए, जिसके लिए शॉर्टकट की F7 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है, जो कि डिक्शनरी में नहीं है क्योंकि ये वर्ड ही नहीं है, और उससे रिलेटेड जो वर्ड है सजेशन में आपको दे रहा है, जो एग्जैक्ट वर्ड है उसका रिसर्च वो दे रहा है। तो आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं या डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, या इसको मल्टीपल वर्ड है यानी आपके पास अभी फाइल में एक वर्ड है, हो सकता है इस फाइल में 10 बार रिसर्च हो, तो वहाँ पे आप उसको चेंज ऑल कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, तो हम चेंज बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो गई। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है। अगर आप इस तरह कुछ डेटा एंट्री वर्क कर रहे हैं और आप कुछ ऐसे कुछ स्पेलिंग और ग्रामर के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का सहारा लेना चाह रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर बताया था मैं आपको, एक वीडियो बना हुआ है मेरा, अगर आप नहीं देखा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, वीडियो में जाइए, यहाँ पे ग्रामरली बोल के ऑप्शन है, ये ग्रामरली ऑप्शन, ये वीडियो देख लीजिए आप। ये वीडियो देखने के बाद वीडियो बताने वाला हूँ आप अगर ये वीडियो जिस को अगर इसके इसमें एक एक्सटेंशन रहता है, ये एक्सटेंशन अगर आप आपके सिस्टम में ऐड कर लेते हैं, तो जब भी आप कुछ इस तरह के वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर की तरफ से समझ में आ जाती है और ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर देता है। तो आपके लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर रहेगा, जिसको आपको कैसा करना है मैं इसमें वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप इसको वीडियो को देख लीजिए, तो जिसमें आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि ग्रामरली का यूज़ कैसे किया जाता है। अब यहाँ पूरा पे आपको दे कंप्लीट रहा है टेक योर राइटिंग, पूरा कंप्लीटली डिटेल है इसमें, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर था, जिसके जरिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। देन ये रिसर्च क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च बोल के एक टैब है खुला, इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज कर दिया मैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये हट गया, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये आ गया, इसको हटा दिया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो जब मुझे कुछ सर्च करना है, सजेस्टेड वर्ड लेना है, जैसे रिसर्च का सजेस्टेड वर्ड लेना है, तो जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है। तो जैसे रिसर्च मीन्स उससे रिलेटेड वर्ड क्या हो सकते हैं, हम क्या रिसर्च करते हैं, स्टडी के लिए कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देन कुछ एग्जामाइन करते, कुछ सर्च करते, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड पूरे वर्ड आ गए। अब जैसे आपको इस ऑप्शन ये चेंज चाहिए, उसके जगह पे इस पर क्लिक कर दीजिए, अब उससे रिलेटेड पूरे वर्ड आ गए, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह वर्ड आ जाते हैं आपको। तो आप इस तरह इस ऑप्शन के जरिए आप एक वर्ड से मल्टीपल वर्ड को ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड आपको रिलेटेड वर्ड मिल जाएंगे। तो
तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में हम देखेंगे, इसके जरिए से हम स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं और इसके जरिए हम रिलेटेड वर्ड ढूंढ सकते हैं। देन ट्रांसलेट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसके मीनिंग क्या है, मुझे कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, यूएस इंग्लिश है, फ्रॉम टू क्या है, हिंदी में ट्रांसलेट करें, हिंदी ऑटोमेटिक था, लेकिन आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। इंटरनेट रहा तो ये ट्रांसलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इंटरनेट बंद कर देता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया हूँ, अब इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करता हूँ तो अभी तो आ रहा है। अब मैं दूसरे लैंग्वेज में लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपके पास ट्रांसलेट करते वक्त इंटरनेट होना चाहिए। और ट्रांसलेट के लिए एक और सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, जब भी आप कुछ वर्क करते हो उसके लिए मुझे इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा पहले। आप जीमेल में जाइए, गूगल में जाइए, जीमेल में जाने के बाद में आपको, या गूगल में भी जा सकते हैं आप। जब आप गूगल में चले जाते हैं, यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल, गूगल टाइप करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे एक राइट साइड में गूगल ऐप्स आते हैं, बहुत सारे ऐप्स रहते हैं, यहाँ पे टैब रहता है, इस पर क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसलेट ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सी लैंग्वेज डिटेक्ट करना है आपको, तो आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे, अब जो मैं यहाँ पे वर्ड लिया था, ये वर्ड चाहिए मुझे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू लिया हो तो रिसर्च के मीनिंग उर्दू में क्या यहाँ पे बता रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से सजेस्ट करके एडिट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ मैं इसको यहाँ से। यहाँ से इसकी मुझे एक्चुअल जो उसका एसेंट है, उसकी वॉइस है, मुझे समझ में आएंगे, सुनाई देगा। देन ये नाउन क्या है, उसका वर्ब क्या है, यहाँ से कंप्लीट डिटेल दे रहा है। उसके बाद में रिसर्च से रिलेटेड मीन्स वर्ब है, इन्वेस्टिगेटर सिस्टमेटिकली, देन उससे रिलेटेड वर्ड दे रहा है, सिनोनिम्स दिया उसके, इन्वेस्टिगेट है, स्टडी है, इंक्वायर इंटू है, लुक इंटू है। देन इससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड्स सेंटेंस भी देता है, नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे 27 मोर सिनोनिम्स बोल के दे रहा है, और यहाँ पे सेंटेंस तो नहीं दिया, तो हम यहाँ पे अभी सेंटेंस भी ले सकते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट लिखता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट लिखा हो तो उसके जरिए उसके लिए जो जो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे पूरा डिटेल भेज दे रहा है, मैं यहाँ से हिंदी कर सकता हूँ और दूसरे बहुत सारे वर्ड भी ले सकता हूँ मैं यहाँ से। तो आप देखेंगे यहाँ से 29 मोर एग्जाम्पल बोलेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड लिया था मैं इन्वेस्टिगेट, उससे रिलेटेड उसके बेस पर यहाँ पे मुझे पूरे सेंटेंस मिल रहे हैं। जैसे इन्वेस्टिगेट फ्यूचर स्टडीज विल इन्वेस्टिगेट वेदर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द ड्रग्स कुड प्रिवेंट कैंसर। तो इस तरह आपको पूरे 23-27 एग्जाम्पल मिल रहे हैं। तो आपको जब भी ऐसा कोई वर्ड लेना है तो यहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेट में आकर वो वर्ड को यहाँ पे ऐड करके उससे रिलेटेड वर्ड मिलेंगे आपको, उससे रिलेटेड पूरे सेंटेंस भी मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखें यहाँ पे क्या स्पेलिंग ग्रामर जो कि मैं आपको बताया हूँ ग्रामरली के लिए, और ट्रांसलेट के लिए मैं आपको अभी गूगल ट्रांसलेट बताया हूँ। अब मैं इसको देखो, अगर यहाँ पे हिंदी लिए ना, मैं यहाँ से दूसरी लैंग्वेज लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है अभी, देख सकते हैं आप। पहले इंटरनेट बंद था तो यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं होता, अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है। अब मैं यहाँ पे कुछ एक यहाँ से सेंटेंस ले लेता हूँ, एक सेंटेंस ले ली यहाँ से लेकर इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद में इसको ट्रांसलेट बोलता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन होके हमको यहाँ पे हिंदी में आ गया। हम चाहे तो जो चाहे लैंग्वेज में चाहे वो लैंग्वेज में यहाँ पे उसका ट्रांसलेट ले सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसलेट।
वर्ड काउंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने वर्ड है हमको डिटेल मिल जाती है। तो एक पेज है 30 वर्ड्स है, कैरेक्टर नो स्पेस कितने हैं, और कैरेक्टर विथ स्पेस, कैरेक्टर नो स्पेस विथ स्पेस बोले तो रिसर्च एक वर्ड है और द एक वर्ड है, उन दोनों के बीच में एक स्पेस है तो वो है कैरेक्टर विथ स्पेस, और नो स्पेस यानी विदाउट स्पेस। देन पैराग्राफ कितने और लाइंस कितने, आपको यहाँ पे वर्ड काउंट की पूरी डिटेल मिल रही है। देन यहाँ पे सेट लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर आपको जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से ऑलरेडी जो लैंग्वेज हम पर्टिकुलर यहाँ पे सेट कर दे सकते हैं। तो जो मेन था इसमें प्रूफिंग में दो ऑप्शन थे, जैसे आप स्पेलिंग ग्रामर कैसे चेक करना और रिलेटेड वर्ड कैसे सर्च करना और ट्रांसलेट कैसा करना। तो ट्रांसलेट के लिए मैं बेटर आपको जो बताया हूँ गूगल ट्रांसलेट बताया हूँ, और स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए ग्रामरली बताया हूँ। तो ये था हमारा रिव्यू में प्रूफिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कमेंट और अगले ऑप्शंस देखने वाले हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।